वैसे एक बात बता, तेरा इस घर में सबसे बड़े वाला कमरा होगा ना, सबसे बेस्ट वाला, जिसको बचपन से ही सब कुछ बेस्ट मिलता है ना आई चिनू। तो ये बेस्ट कमरा आप ले लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं उस कमरे की, मैं कहीं और सो जाऊंगा, आप प्लीज चलिए। तेरी खैरात नहीं चाहिए मुझे, पर अपनी ये महानता का ड्रामा ना किसी और के सामने करना। आई चलो, आई चलो, आई चलो, आई चलो, चलो 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 यार, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ, चलिए जाओ जाओ, आई आई आइए आका साहब, आइए। और जीतू कमरे में बैठने वाला है, काम नहीं है कोई, आओ साहब नौकरी से निकाल देंगे, जाके अपना काम कर जा। ए, अभी तक यहीं खड़े, चल जा भाई। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जीतू, जीतू दरवाजा खोल। ये तो कोई न जाने। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने आपको चिन्मय दादा को वापस इस घर में लाने का आइडिया दिया। नहीं नहीं सवी, प्लीज तुम खुद को इसके लिए ब्लेम मत करो, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, तुम्हारी वजह से चिन्मय घर तो वापस लौटा है, मेरे इतने लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मुझे उनके साथ एक छत के नीचे रहने का मौका तो मिला। अफसोस तो बस इस बात का है कि वो आए तो हैं पर पूरी तरह बदल चुके हैं, पता नहीं क्या वजह है कि वो अपने ही घर वालों से इतनी पूरी तरह पेश आ रहे हैं। मैम, आप वाकई ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं? प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैंने आज तक इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा जो अपने भाई बाबा से ऐसे बात करता है, खास करके राव साहब के साथ। ऐसे कौन करता है? आप खुद इस काबिल है कि आपको किसी आदमी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है सवी, ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ उन्हें, थोड़ा ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है मैंने उनके साथ, इसलिए मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ, चिन्मय दिल के बिल्कुल भी बुरे नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं हम सबके साथ। सभी कोई तो वजह होगी इसके पीछे कि वो हम सबसे इतना गुस्सा है, इतने नाराज है। तुम्हें पता है जब नहीं नहीं मैं इस घर में शादी करके आई थी, सारा दिन बहुत काम रहते थे मुझे, उठना बैठना खाना पीना।